तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो मैं आप सभी लोगों की सोना पीपल है नए दिन और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो अभी लाइट नहीं है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम को, शॉर्ट रास्ता है इसलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पे घास काट लूँ करके। और आज मैं बहुत सालों बाद घास काट रही हूँ, तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है करके, और होता है या नहीं होता है करके। स्टार्ट करते हैं ये। हम लोगों ने साफ कर लिया, अब जो भी आएगा ना उसके लिए इजीली रहेगा, क्योंकि पानी आता है ना पाँव में, पानी वगैरह लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने कट कर दिया। जो येलो कलर का था उसमें दवाई डाली थी, वो गाय भैंस को नहीं देंगे, और जो हरा हरा था वो देंगे। पूरा कट हो गया मम्मी और मैंने काट दिया, ये वाला देंगे। और वो येलो येलो ऐसे पहाड़ी में ना गोल वाले लौकी को तुम बोलते हैं, लौकी को तो लौकी बोलते हैं, इसका नाम पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, मुझे इतना पता नहीं है। इस साइड को बहुत फिसलन हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर होता तो वो डालते लग रहे हैं काफी, और मंदिर में भी चढ़ाने हैं, मंदिर में जाएंगे हम लोग परसों। और आज मैंने घास वगैरह काटा फर्स्ट बार ससुराल में, और बहुत सालों बाद काटा मैंने, वो भी सफाई करनी थी, रास्ता साफ करना था वहाँ पे। तो आज है घी का त्योहार, मतलब पहाड़ में घी त्योहार बोलते हैं। तो हमारे गाँव में मतलब यहाँ ऐसा होता है ना, जिसके पास गाय भैंस मतलब दूध वगैरह नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग वो देते हैं घी और दही। हाँ, मैंने घी और थोड़ा दही रख दिया है, जिसके दिनाली मतलब गाय बच्चे दूध नहीं देते ना उन्हें देते हैं, जब हमारा नहीं होगा तो वो लोग भी हमें देंगे। और आज गाबे की सब्जी बनाते हैं, तो गाबा काट दिया है वो दीपू भैया की वाइफ ने दिया, तो मैं ये देख के आती हूँ। वैसे सर का कॉल भी आ रहा था, बट मैंने बोला मैं त्योहार बांटने जा रही हूँ तो अभी करूँगी करके। आज मैंने उस साइड से ना मम्मी ने मैंने रास्ता साफ कर रखा है, आने वक्त में उसे साइड से आऊंगी। और जी जी राहुल भैया लोगों के घर में पहुंच गए। जे जी कला अब छत जी को बुखार भी आया है, आज बहुत बुखार आया है जी जी को, लियो दें और क्यों। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, ताई ने एकदम साफ सफाई कर रखा है घर में। और ये ताई लोगों का उपखल है, कल सीख कूटने वाले, मतलब धान आया धान कूटने वाले हैं, तो परसों हम लोग मंदिर में। अब मैं जा रही हूँ हमारी बूबू को देने, मतलब वो भी ताई लगते हैं लेकिन नाश्ते का रिश्ता बूबू का है, तो बूबू बोल रही हूँ। और यहाँ पे कैस्पर है, वो काटता है, तो पहले ही आवाज़ देना पड़ेगा मुझे। और ये कैस्पर है। तो गाइस ये है गाबा, और इसके सब्जी भी बनाते हैं, और आज हम लोग इसके पकोड़े बना रहे हैं। इसे कट कर दिया है, बट ये थोड़ा रेड रेड हो गया, और दो टाइप के होते हैं, एक वाइट वाला और एक रेड वाला, ये मिक्स है, ये वाइट वाला ज्यादा है। और इसमें से मैंने ना बाहर का कवर निकाल दिया था इसका, फिर भी ये रेड रेड हो गया। और यहाँ पे भैंस के लिए दो बन गया, मतलब उसका खाना बन गया है। तो आज हम लोग पकौड़े बना रहे हैं। गावा की सब्जी पहाड़ में बहुत फेमस होती है, जिसने खाया कमेंट करना, और वहाँ पे घर के आम है। गाइस गावा रेडी हो गया है, इसमें मैंने बेसन और सारे मसाले डाल दिए हैं, और यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ कैसा बनता है करके, तेल हुआ नहीं हुआ तभी थोड़ा आइडिया आएगा ना। ये देखो गाइस, एक बार फिर बनाएंगे इसे, फिर नमक वगैरह टेस्ट करेंगे कि कितना हो रहा करके। और वहाँ पे नर्दा हमारे खीर लेके आए हैं, अभी हम लोग भी बनाएंगे फिर देंगे। यहाँ पे दो प्रकार के पकौड़े बन गए हैं, और ये बचा है, फिर इसके बाद एक और बचा है, ये कोफ्ते हैं लौकी के कोफ्ते। आज पकौड़े मैं बना रही हूँ, मम्मी जा रही है दीपू भैया लोगों के वहाँ पहुँचाने के लिए खीरे और पकौड़े, ताई के वहाँ पहुँचा के आगे।
और ये बिल्ली पता नहीं कब से आवाज करने में है। तो ये रहे दो प्रकार के पकौड़े और मम्मी जाओ बजाओ पूजा। और ये ना भूख के मारे रो रही है गाइस, आज इसके लिए रोटियां नहीं, अभी इसे खेर देंगे हम लोग। हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो मैं आप सभी लोगों की सोना पीपल है, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताना कि कल का एल्बम कैसा लगा, सारी का एल्बम कैसा लगा करके। तो क्या बोलते हैं गाइस, कल हमारे बलियाँ मंदिर में, हमारे इष्ट देव जी कालीनाग जी के मंदिर में सीख भराई है। मतलब सीख भराई जो नया धान होता है ना, वो भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो उसे कूटने के लिए बहुत सारे लोग आए हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में चक्की है। वैसे यहाँ औरों के पास भी है, पता नहीं, बोल तो दे रहे लेकिन मुझे पता नहीं। तो अभी मैं उठ गई हूँ और ये मेरा रूम है गाइस। और अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ कितने सारे धान आए हैं और हम लोग पहले अपना कूटने वाले हैं। शायद पहले से सोचती थी जब मेरी शादी होगी मैं पक्का मंदिर जाऊँगी घर के। तो कल मुझे मंदिर जाने है और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं साड़ी कौन सी वाली, वैसे मेरे पास एक न्यू साड़ी है, तो वो वाली साड़ी नहीं पहनी, मैं पर्पल कलर की साड़ी पहनी हूँ। बिकॉज मेरे सर जी और मैंने वो ना साल में पहना था एक दिन कथा के दिन, तो वही वाली साड़ी पहन रही मैं। और मैंने अपने कपड़े भी रेडी कर लिए, अभी वैसे रेडी हैं लगभग, बट निकाल के रख लूँगी मैं आज शाम को ही, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठेंगे, नहा के धो के जाएंगे मंदिर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। अब मैं आपको बाहर और अंदर दो बैग धो दिए हैं, क्योंकि इसमें ले जाएंगे धान, मतलब सीख भराई बोलते हैं ना, तो इसमें धान ले जाएंगे और सब्जी वगैरह जो भी घर का न्यू फल या न्यू कुछ भी होता है ना, वो सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो गाइस थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, आज भी हमें पूरी वगैरह बनाने, क्योंकि कल शाम को त्यौहार था, उसका व्लॉग भी डालना है मुझे। और आज भी मतलब त्यौहार है, सुबह सुबह बनता है, तो वो रेडी कर लेती मैं, फिर मिलती हूँ गाइस बाय। मॉर्निंग की चाय पी रही हूँ और चाय में इतनी छुट्टी मिश्री के साथ पी गई, मुझे ना ज़रा मीठा अच्छा नहीं लगता। और इस छल्ले में मोटू लिखा है और देखो गाइस सोनी को वहाँ के चलने के निशान फिर से हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने वाइपर मार दिया है कमरों में, तो बाहर गर्मी हो रही है और फैन भी ऑन कर दिया मैंने बाहर के रूम में भी, यहाँ के रूम में भी। अब चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मैंने थंबनेल भी एडिट किया गाइस, ऐसे आज हम लोग बना रहे हैं पूरियाँ, पूरियों के अंदर दाल मिक्स करेंगे और उन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं वैसे कचौड़ी हुए वो, तो आज फर्स्ट बार बनाऊंगी। मेरी दादी लोग बनाते थे ननिहाल में, तो मुझे आता है नहीं, लेकिन सारा मसाला वगैरह रेडी हो गया है, तो देखते हैं कैसा बनता है आज करके। और मम्मी ने नहा धो दिया, मैं इसके बाद नहाऊँगी, ये बनाने के बाद हाथ में धो लिया मतलब मैं दीदी ये रेडी हो रहा है, मतलब लिपा पोती कर दिया मिट्टी से, पोछा टाइप में लगा दिया, बेलते हैं फिर इसके अंदर डालते हैं, ये डाल दिया और एक उसमें, और ये एक बना दिया, ये दूसरा बन गया अभी, एक इसमें डाल दिया। और हमें बेल देते हैं कचौड़ी उड़द की दाल की, लेकिन इसे पहाड़ी में बेड़ू के पकौड़े बोलते हैं। और मंदिर में भी चढ़ा दिया और ये रहा हमारा मंदिर, और थोड़े पकौड़े भी बनाए इतने जल गए। तो अब मैं नाई नाई करती हूँ, फिर टीका लगाऊंगी, फ्रेश फ्रेश होती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। आप लोगों ने नहा दिया और बाल में थोड़ी देर में धोऊंगी, क्योंकि कल बाल नहीं धोऊंगी ना मैं, तो अभी थोड़ी देर में धोऊंगी बाल। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, मैंने रोटी बना ली है, चावल मैंने आगे बनाए थे, तो अभी मैं जेजी के लिए बना रही हूँ रोटी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है और पसीना हो गया, हर्ष भी आए हैं हमारे लिए ना, रोज सब्जी वगैरह, सब्जी जो बोलो रोज घास वगैरह काट के ले जाती है, और आज बहुत तबीयत खराब हुई है उनकी, जुकाम मतलब बुखार वगैरह लगाया कल परसों से, दवाई खा रहे हैं वो, ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला थल चलते हैं करके, तो जी जी मना कर रही है, और लो लो खाओ जी जी यहाँ पे सोई है, हॉस्पिटल जाने पे नहीं जा, क्यों जा रही है, अभी बैंगन वगैरह लगे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, और देखो मक्के वगैरह लगे हैं जिसे चाहिए, अब घर जाने लग गया। हर्षो खाना खा दिया, ताऊ लेके आए हैं हर्षो को स्कूल से, ताऊ भल मंदिर वाला ने। और ये हमारा आग वाला है, इसे ना बाद में हटा के इस साइड
इस साइड को बनाने हैं। तो अभी हम लोग खाना खाने लग गए हैं और खीर है घर की रही, लौकी की सब्जी, चावल घर के चावल है और रोटियां भी खा ली मैंने, ये मम्मी का प्लेट तमना खाने रोज ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा खा लिया। अभी मैं आम लेके आई हूँ, अभी कट करेंगे और कपड़े भी सूख गए मेरे, आज धोई थी मैंने दो जोड़ी।